हनुमंतगंज थाना क्षेत्र में अंतर्गत आपको बता चले मुड़वाल गांव में बीती 16 नवंबर को युवती प्रिया कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी प्रेमी नीरज सतनामी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, आपको बताया चले कि गिरफ्तार अभियुक्त नीरज सतनामी ने पूछा उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें मृतक से प्रेम करता था, जिसने आपको बताया चले कि शादी घर वाले कहीं तय और कर रहे थे। गिरफ्तारी प्रेमी ने बताया है कि मेरे साथ शादी से इनकार करने पर गुस्से में मैंने युवती की हत्या कर दी है। अभियुक्त ने बताया है कि वारदात रात मैंने उसी शादी के लिए समझौते के लिए मकसद से बुलाया होता, शादी करने के लिए काफी समझाने बुझाने की प्रयास किया, नहीं माने तो गुस्से में आकर मैंने आज उसका गला हाथ में लेकर पंजे से दबाकर उसके मुंह पर खून आने लगा, किंतु वह मरी नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया चले कि दुपट्टे से गला कसकर उसकी मौत कर दी है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी नीरज सतनामी से साथ आपको पता चली सेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास ही गिरफ्तार किया है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं गाजीपुर से खास तारीख को नंदगंज थाना अंतर्गत एक गांव मुड़वल है जहां एक युवती का शव मिला था। एक धान के खेत में बिल्कुल आबादी के बगल में ही खेत था, वहां से एक शव मिला था जहां युवती का गला किसी के दुपट्टे से कस के बंधा हुआ था और बिल्कुल एक मकान के ठीक बाहर वो शव मिला था। प्रारंभिक जानकारी की गई तो मालूम पड़ा गांव के ये रहने वाले एक व्यक्ति की लड़की है जो हैदराबाद में मजदूरी का काम करता है और यहाँ उसकी पत्नी और चार बच्चे रहते हैं, जिसमें एक लड़की का विवाह हो चुका था, दो लड़कियाँ और एक लड़का यहाँ गाँव में रहता है। शुरुआत में इस घटना के संबंध में जब जानकारी गांव से प्राप्त करना आरंभ किया तो गांव में कुछ बाहरी लड़कों के आने की जानकारी मिली। हम लोगों ने परिवार में जो मोबाइल नंबर थे उन्हें प्राप्त किया और उनका एनालिसिस किया रात में ही, तो ये प्रकाश में आया कि एक बाहरी व्यक्ति का गांव में आना था जो इस परिवार से जुड़ा हुआ था। इस सूचना को विकसित करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सिटी और उनके निर्देशन में एसओ नंदगंज ने बहुत परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और विकसित करने के साथ साथ जो तमाम पूछताछ गांव में हुई उससे उस व्यक्ति की पहचान हुई। उससे पूछताछ करने पर पहले तो उसने कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताने का प्रयास किया लेकिन अपने ही सवालों और जवाब में फंसता हुआ अंततः उसने इस बात को स्वीकार किया कि इस मृतका लड़की से वो प्रेम करता था, बाहर का रहने वाला उसकी रिश्तेदारी इस गांव में थी और वो घटना के एक दिन पहले रात में आया था, यहाँ लड़की से मुलाकात हुई उसकी, लड़की से विवाह करना चाहता था लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिससे ये विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने लड़की को धमकी दी, पहले भी धमकी दे चुका था और उस रात दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद की उत्तेजना में इस लड़के ने उसे मारने का प्रयास किया, पहले गला दबाया जिससे उसके मुंह से कुछ खून आ गया। घबराहट में जब ये पूरी तरह से बेहोश हो गई थी तो उसने उसी के दुपट्टे से गले में फंदा बांध के पास के एक पेड़ से लटकाने का प्रयास किया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और बाद में खींच कर उसने उस खेत में डाला। उसकी बताए हुए जो स्थान था, उसका बताया हुआ जो रास्ता था ले जाने का, उसका जब पुलिस ने गहराई से परीक्षण किया तो वहाँ मृतका की चप्पल, उसके हेयर बैंड, उसका हेयर क्लिप ये मिल गया और कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतका का मोबाइल भी उसके पास से बरामद हो गया। इस प्रकार इस जो अज्ञात घटना थी उसका खुलासा हुआ। इसमें टीम ने बहुत परिश्रम किया, टीम के प्रोत्साहन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए